हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ऑफिशियल पर। आई होप आप सभी अच्छे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ से संबंधित जो आपके स्कॉलरशिप आते हैं, अर्थात जो आपके छात्रवृत्ति आते हैं उनके बारे में। बहुत सारे अफवाहों का बाजार गर्म है कि सभी बच्चों को इस बार 25,000 रुपया मिलेंगे, 25,000 रुपया प्रोवाइड किया जाएगा, जबकि बोर्ड की ओर से ऐसा ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड की ओर से ऐसा ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया और सारे यूट्यूबरों ने लिख दिया कि 25,000 रुपये सबको मिल रहे हैं। तो भाई मेरे, ऐसा अभी तक बिल्कुल बोर्ड ने नहीं कहा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ विद प्रूफ के साथ, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। और ये वीडियो मेरे लिए बनाना बहुत ज़रूरी बन गया था ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ कि ऐसी कुछ बातें अभी नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको एक प्रथम चीज़ जो पढ़ के दिखा रहा हूँ वो देखिए, यह है कि प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण मजदूरों के बच्चे को मिलेंगे 25,000 रुपये, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण मजदूरों को मिलेंगे 25,000 रुपया। अब यहाँ पर एक बात एकदम क्लियर बोर्ड ने लिख दिया गया कि प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण मजदूरों के बच्चे को, केवल मजदूरों के बच्चे को, यहाँ क्या लिखा है, केवल मजदूरों के बच्चे को। और एक बात आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सिर्फ लिखा गया श्रम संसाधन विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश, श्रम विभाग संसाधन ने। अब मजदूर के बच्चे कौन होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप क्लास टेंथ के फॉर्म भर रहे होंगे फ्रेंड्स मार्कशीट का या आपके एडमिट कार्ड का, तो आपको वहाँ एक पेशा करके कुछ जाता है। जब आप लोग पिता के बारे में इंफॉर्मेशन डाल लेंगे तो वहां लिखा था है पेशा। तो पेशा में आप लोगों को जिस बच्चों ने मजदूरी लिखा है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि उनको ये 25,000 रुपये मिलने वाले हैं। एक तो ये है जो बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया कि आपको 25,000 रुपये मिलेंगे। और दूसरा फैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से यह अफवाह हो रही है कि 80% तो 25,000, 90% तो ये फलाना ढिमकाना, तो वो भी आपको मैं दिखा दूंगा विद प्रूफ, 100% प्रूफ। कोई भी गलत न्यूज इस चैनल पर आपको नहीं दी जाएगी, इस बात के लिए आप संतुष्ट रहें। सबसे पहले मैं आपको ये देख के, आप लोग इसको अगर चाहते हैं तो रोक के पढ़ लेंगे, अन्यथा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स। मैं आइए आपको कुछ यहाँ दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ दिखाने से पहले मैं ये आपको दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ जो बोर्ड के सदस्यों के द्वारा ये निर्धारित किया गया था। सबसे पहले आइए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ देखें तो देखें कि यहाँ पे लिखा गया नेम ऑफ सीम, यहाँ लिखा गया बिहार 10th पास स्कॉलरशिप 2021 डिवीज़न, यहाँ क्या लिखा गया, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जिन बच्चों को प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया या केवल उसके लिए है। नेक्स्ट है लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रिसोर्सेज एंड बिहार रिसोर्सेज एंड बिहार स्कूल एग्जामिनेशन कम्युनिटी पटना, यहाँ लिखा गया है लेबर का मतलब ही होता है मजदूर, यानी मजदूर संसाधन द्वारा ये जानकारी बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के द्वारा मिल के दोनों ने बनाया, और तब ये कमेटी के साथ, पटना के कमेटी के साथ मीटिंग के बाद ये फॉर्म अप्लाई किया उन्होंने। नेक्स्ट है बेनिफिशरी, यानी जो लाभदायक होंगे वो कौन होंगे, यहाँ केवल लिखा गया, आप लोग अगर ठीक से देखेंगे तो यहाँ लिखा गया बेनिफिशरी अर्थात जो लाभदायक है वो कौन होंगे। रजिस्टर मजदूर के लड़का और लड़की, क्या यहाँ कहीं लिखा गया कि सभी बच्चे, तो फिर ये बात कहाँ से आ गई कि सभी बच्चों को 25,000 रुपया मिल रहा है। भाई जो न्यूज सच है वही फैलाओ, गलत न्यूज मत फैलाइए। बच्चे आस में रहेंगे कि भाई 25,000 रुपया आने वाला है, 25,000 रुपया आने वाला है, बाद में 10,000 रुपया आएंगे तो बच्चे को प्रॉब्लम होगा। भाई गलत व्यूज के लिए गलत न्यूज कम से कम तो मत फैलाओ, ये बात तो भाई आप लोग मान लो। नेक्स्ट है यहाँ पे देख ले बेनिफिट के रूप में था 25,000, 15,000, 10,000, तो ये तो बोर्ड की ओर से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया। अब एक जो अफवाह चल रही है या वो हकीकत है, ये बोर्ड अभी क्लियर नहीं की है दोस्तों, ये बोर्ड ने क्लियर नहीं किया है। अगर बोर्ड क्लियर करेगा तो मैं आपको वो वीडियो ला कर दूंगा, और अगर कोई सर आपको बता रहे हैं कि बोर्ड ने क्लियर कर दिया है तो भाई आप बोलो कि वो बिहार बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला है तो आप उसका स्क्रीन शॉट हमें दिखा दो। अब एक न्यूज़ जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है वो ये कहा जा रहा है कि जो 80% के बच्चे हैं उन्हें 25,000 रुपया मिलेगा, जो 80% के बच्चे हैं यानी 80% से एबव है उन्हें 25,000 मिलेगा। दूसरा है कि 15,000 किसे मिलेगा, तो जो 70% है, जो 70% है दोस्तों, जो 70% की बात किया जा रहा है कि जिन बच्चों ने बोर्ड एग्जाम में 70% मार्क्स लाया था उसको मिलेगा 15,000 रुपया, और 60% जिन्होंने लाया था 60 to 70 के बीच में उनको मिलेगा 10,000 रुपया। अब ये न्यूज आप लोगों को पता ही है कि वायरल हो रही है, अब ये कहाँ तक सच है, बोर्ड ने इनका अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया दोस्तों। हो सकती है ये न्यूज़ सच हो लेकिन अभी तक कंफर्म बोर्ड के द्वारा नहीं किया गया है, तो जब तक बोर्ड के द्वारा कंफर्म नहीं किया जाता मैं तो इस पे वीडियो नहीं बना रहा फ्रेंड्स कि ऐसा मिलेगा। आप लोग मान लो, हो सकता है मिले, भविष्य में आपके लिए अच्छी बात है, मैं खुद प्रे करूँगा हे भगवान इन सबको ये रुपया मिले, बहुत अच्छी तरह से मिले। अब मैं आपको लास्ट में एक बात बता दिया जाता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ अभी से बना के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो
कि आपको पता होगा कि जो ऑफिशियल, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जब आपको पता होगा कि बोर्ड जब ऑफिशियल नोटिस जारी करती है स्कॉलरशिप के लिए, तो वो काफ़ी कम समय के लिए जारी किया जाता है और उतने समय में ही आपको वो फॉर्म फिलअप करना होता है ताकि आप जल्दी से जल्दी भर सके। तो अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स पे लेकर चलता हूँ, जो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके लिए वो आपको क्या क्या लगेगा। तो पहला आपका फ्रेंड्स लगेगा मार्कशीट, जो आपका मार्कशीट है वो। दूसरा आपका एक जाति प्रमाण पत्र, दूसरा आपका एक जाति प्रमाण पत्र, पहला मार्कशीट, दूसरा जाति प्रमाण पत्र, तीसरा आपका आय प्रमाण पत्र, तीसरा आपका आय प्रमाण पत्र, चौथा आपका जो होगा फ्रेंड्स, चौथा होगा आपका आधार कार्ड जो आपके बैंक से लिंक हो। अगर आप लोगों ने अभी तक आधार कार्ड को अपने बैंक से लिंक नहीं कराया तो सबसे पहले आप आधार कार्ड को बैंक से लिंक करवा लो। पाँचवा नंबर आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, यानी IFSC कोड, बैंक नाम क्या है, आपका अकाउंट क्या है, फलाना ढिमकाना, वो सारे चीज़ वो लेंगे। और छठा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है, वो हर हाल में आपके पास होना चाहिए, वो है जाति और आय प्रमाण पत्र। वैसे भी मैं पहले बोल दूंगा लेकिन इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ क्योंकि ये दोनों आपके पास जरूर होना चाहिए, अभी से बना के रखो दोस्तों, क्योंकि आपको पता है इसे बनाने में कम से कम तत्काल में तो 5 से 6 दिन लग जाते हैं और जनरल में 15 से 20 दिन, तो फिर उस समय आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, इसलिए आप अभी से इसे बनाकर रखो। और किसी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुली रहेगी, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो भी डाल दूंगा अगर आपको क्लियर समझ में ना आता हो तो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और अपने घरों में सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहेंगे, डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।